हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो टुडेज टॉपिक इज़ इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के बारे में कि बायोलॉजी का डेफिनेशन क्या होता है, उसकी हिस्ट्री, उसको किसने डेवलप किया था, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, और उसको किस किस बेसिस पे कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, और उसके ब्रांचेस कौन कौन से हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि बायोलॉजी का मतलब क्या होता है। बायोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ, बायो और लॉगस। बायो मीन्स लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और लॉगस मीन्स टू स्टडी, स्टडी का। तो बायोलॉजी का मतलब क्या हो जाएगा कि साइंस का वो ब्रांच जिसमें कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इन सब के बारे में हम जिस ब्रांच से पढ़ते हैं उस ब्रांच को हम बोलते हैं बायोलॉजी। और जो इन सब चीज़ों को पढ़ता है उसको हम बायोलॉजिस्ट बोलते हैं। जैसे बायोलॉजी के स्टूडेंट्स बायोलॉजिस्ट हो गए। तो ये हो गया हमारा बायोलॉजी। अब हम इसकी हिस्ट्री देखेंगे कि इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था। तो एरिस्टोटल एक ग्रीक फिलोसोफर हैं, इनको फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है क्योंकि इन्हीं ने बायोलॉजी टर्म को दिया था। और ये सबसे पहले पर्सन है जिनने कि लिविंग थिंग्स को क्लासिफाई किया था, एयर, वाटर और सॉइल में डिफ्रेंशिएट या फिर क्लासिफाई किया था। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं हर जगह पाए जाते हैं, एयर में भी, वाटर में भी, सॉइल में भी पाए जाते हैं। तो ये एरिस्टोटल जो है फादर ऑफ बायोलॉजी हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे गैलेन। गैलेन जो हैं फिजिशियन हैं, इन्हें डिसेक्ट किया था, सबसे पहले डिसेक्ट किया था एप्स और पिक्स को, और इन्हें फादर ऑफ एनाटॉमी कहा जाता है। तो वो हम सबसे पहले दो वर्ड्स पढ़ते हैं, एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि आउटर स्ट्रक्चर, शेप, साइज पढ़ना, जो कि हमें बाहर से दिख रहा है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। और एनाटॉमी या क्या मतलब हो जाता है इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना, कि उसके इंटरनल पार्ट के बारे में, उसके बॉडी पार्ट्स के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना एनाटॉमी। तो गैलेन जो थे फादर ऑफ एनाटॉमी थे। नेक्स्ट हमारा आता है एंड्रियस वेसेलियस। इन्होंने क्या किया था, ह्यूमन एनाटॉमी को सबसे पहली बार फर्स्ट डिटेक्शन किया था ह्यूमन एनाटॉमी पे। ह्यूमन एनाटॉमी को, ह्यूमन को डिटेक्ट किया था, डिसेक्ट किया था उसके एनाटॉमी को स्टडी करने के लिए, और इन्हें कंपैरेटिव एनाटॉमी को डिस्कवर भी किया था। नेक्स्ट है हमारे विलियम हार्वी। विलियम हार्वी ने क्या बताया था, इन्हें सबसे पहली बताया था हर्ट के बारे में, कि जो हमारा हर्ट है वो पंप करता है, ब्लड पंप करता है, और जो है पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है। इससे पहले किसी को ब्लड, हार्ट के फंक्शन के बारे में नहीं पता था। इनने, विलियम हार्वे ने बताया कि हार्ट का फंक्शन क्या होता है। हार्ट जो है ब्लड पंप करता है और पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करने का काम करता है। नेक्स्ट है मार्सिलो मेलफेगी। मार्सिलो मेलफेगी एक इटालियन फिजिशियन है और एनाटॉमिस्ट हैं। ये माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के फाउंडर हैं। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, जो माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, जो कि हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। अब एंटोन वॉन लेवेनहुक, इसका नाम तो सबने सुना होगा, इनका नाम सबने सुना होगा। तो ये हमारे हैं, ये सबसे पहले माइक्रोस्कोप को यूज़ किए थे। माइक्रोस्कोप क्या होता है, माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि लेबोरेटरीज में आप लोगों ने देखे होंगे। तो माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें कि हम जो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं जिसको कि हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं। तो बहुत स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, बहुत स्मॉल टाइनी पार्ट्स को हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं। और एंटोन वन लेवेनहुक ने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी डिस्कवर किया था इनने, जैसे कि प्रोटोजोवंस, और इन्हें हम एनिमल क्यूल्स भी बोलते हैं प्रोटोजोवंस को। नेक्स्ट है चार्ल्स डार्विन, इनका भी नाम बहुत सुना होगा। चार्ल्स डार्विन कहते हैं इन्हें स्पीसीज के ओरिजिन के बारे में बताया था कि कोई भी स्पीसी ओरिजिनेट कैसे हुई है। उनने एक बुक भी लिखा था जिसका नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाई मीन्स ऑफ नेचुरल सेलेक्शन।
नेचुरल सेलेक्शन से स्पीसीज का ओरिजिन कैसे हुआ है, इस पे उनने बुक भी लिखा था। अब हम देखते हैं डिवीज़न ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी को कितने पार्ट्स में बांटा गया है? बायोलॉजी को दो पार्ट्स में बांटा गया है, बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें कि हम प्लांट्स के बारे में, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में, उनके हैबिटेट के बारे में सब कुछ पढ़ते हैं प्लांट्स के बारे में, उसको हम बॉटनी बोलते हैं। और जूलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें कि हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, उनके हैबिटेट के बारे में, उनका स्ट्रक्चर, एनाटॉमी सब कुछ पढ़ते हैं एनिमल्स के बारे में, उसको हम जूलॉजी बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा बायोलॉजी का डिवीज़न। अब हम बॉटनी के कुछ ब्रांचेस देख लेते हैं, किसको क्या बोलते हैं और किस में क्या हम पढ़ते हैं। तो जिस ब्रांच में हम ट्रीज़ और उनके हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, कि हमने मैंगो ट्री ले लिया तो मैंगो ट्री की हिस्ट्री क्या है, कब वो ओरिजिनेट हुई थी, कैसे हुई थी, तो उन सब के ट्रीज़ के बारे में और उनकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ना डेंड्रोलॉजी कहलाती है। और दूसरा है हमारा फंगी और उनके एसोसिएटेड प्लांट्स। फंगी हो गए, फंगी के बारे में पढ़ना और फंगी से जो एसोसिएटेड प्लांट्स हैं, उससे रिलेटेड प्लांट्स जो हैं उनके बारे में स्टडी करना माइकोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा पैलन बॉटनी। पैलन बॉटनी हम उसको बोलते हैं जिसमें कि हम प्लांट्स के फॉसिल्स के बारे में पढ़ते हैं, प्लांट्स के फॉसिल्स के बारे में पढ़ना पैलन बॉटनी कहलाता है। नेक्स्ट है फाइटोपैथोलॉजी। फाइटोपैथोलॉजी में हम प्लांट्स के डिसीज़ के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि ह्यूमंस में कैंसर होता है, ट्यूमर कॉज होता है, वैसे ही प्लांट्स में भी कैंसर होता है, उनमें भी ट्यूमर होता है। तो उसके प्लांट्स के डिसीज़ को पढ़ने के लिए जो ब्रांच है वो है, कहलाती है फाइटोपैथोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हम प्लांट्स को, फूड को कैसे ग्रो करेंगे, उसके प्रिंसिपल, उसके प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं हम, कि कैसे प्लांट्स को ग्रो कराना है, तो उसे हम एग्रीकल्चर बोलते हैं उस ब्रांच को। नेक्स्ट है हमारा पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि ये फ्रूट्स को कैसे कल्टीवेट कराना है, फ्रूट्स को कैसे ग्रो कराना है, इसके स्टडी को हम क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी। तो ये हो गया बॉटनी के कुछ ब्रांचेस। अब हम पढ़ेंगे जूलॉजी के कुछ ब्रांचेस। जूलॉजी में पहला आता है एरेक्नोलॉजी। एरेक्नोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, सिंगल क्लास ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ते हैं हम इसे में, जैसे हो गया स्कॉर्पियन, स्पाइडर और बहुत सारे। नेक्स्ट है हमारा कॉन्कोलॉजी। कॉन्कोलॉजी में हम मोलस्क के बारे में पढ़ते हैं। और नेक्स्ट है हमारे एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं कि जो हमारे एनिमल्स हैं, हमारे एनिमल्स हैं वो डेवलप कैसे हुए, एनिमल फॉर्म में कैसे आए, उनका डेवलपमेंट, इसके बारे में पढ़ना एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी। इंसेक्ट्स के स्टडी को हम एंटोमोलॉजी बोलते हैं। फिर रेप्टाइल्स के स्टडी को हम क्या बोलते हैं, हर्पेटोलॉजी। तो रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ना, उसके स्टडी करना हर्पेटोलॉजी कहलाती है। मैमोलॉजी में हम मैमल्स के स्टडी करते हैं, मैमल्स के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्थिनोलॉजी में हम बर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं, बर्ड्स जैसे बहुत सारे बर्ड्स जो हैं समर वेकेशन में, समर के टाइम में कितने सारे बर्ड्स माइग्रेट करते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, तो बर्ड्स के बारे में स्टडी करना ऑर्थिनोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा इथियोलॉजी। इथियोलॉजी में हम फिशेस के बारे में पढ़ते हैं, उनकी फीचर्स क्या हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है फिशेस के, उसको हम इथियोलॉजी बोलते हैं। तो ये हुआ हमारा जूलॉजी के कुछ ब्रांचेस। अब हम देखेंगे कि बायोलॉजी के कुछ ब्रांचेस। हमने देख लिया कि जो बायोलॉजी को दो क्लासेस में डिवाइड किया गया, बॉटनी और जूलॉजी। अब हम बायोलॉजी का ब्रांचेस हैं कुछ ब्रांचेस इसके, तो एनाटॉमी। एनाटॉमी में हम क्या पढ़ते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स का, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का पूरा स्ट्रक्चर, उसका, उसके पार्ट्स के बारे में स्टडी करना एनाटॉमी कहलाता है, उसके इंटरनल पार्ट्स के बारे में स्टडी करना, तो उसको हम एनाटॉमी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम ये देखते हैं कि जो बॉडी पार्ट्स हैं वो वर्क कैसे करते हैं, क्या वर्क है उनका, फंक्शन कैसे करते हैं, और हमारी बॉडी कैसे वर्क करती है, हमारी बॉडी
के अलग अलग जो पार्ट्स हैं वो कैसे फंक्शन करते हैं, तो हम इससे क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी। नेक्स्ट हमारा इकोलॉजी। इकोलॉजी में हम देखते हैं कि जो इन्वायरमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट कैसे होते हैं, उनका इंटरेक्शन क्या है, या फिर एक ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स से कैसे इंटरेक्ट होता है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं इकोलॉजी में। नेक्स्ट हमारा पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी में हम उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर या फिर अंदर रहते हैं और उनमें डिसीज़ कॉज करते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना पैरासिटोलॉजी कहलाता है। जैसे कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, जैसे हम पेड़ों के पत्तियों पे देखते हैं कि कीड़े लग जाते हैं और उनमें जो है उनको ख़राब कर देते हैं फसलों को, तो फसल ख़राब कर देते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट हैं, उनमें लिव कर रहे हैं दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे और उनमें डिसीज़ कॉज कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना पैरासिटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट हमारा टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में हम इंटर रिलेशनशिप पढ़ते हैं ऑर्गेनिजम्स के बीच में, कि क्या इंटर रिलेशनशिप है एक ऑर्गेनिज्म और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के बीच में, सारे ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से कैसे इंटर रिलेटेड हैं और उनका इवोल्यूशनरी इवोल्यूशन कैसे हुआ, क्लासिफिकेशन, ये सब को हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी के अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा साइटोलॉजी। इस ब्रांच में हम सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, सेल्स का स्ट्रक्चर, फंक्शन। हमारी बॉडी जो है सेल्स से बनी होती है, हम सेल्स को बोलते हैं ना कि सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, तो इसके हम सेल्स के बारे में, उनके स्ट्रक्चर फंक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं साइटोलॉजी में। नेक्स्ट हमारा माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का स्टडी करते हैं, उनके हैबिटेट, उनकी ग्रोथ, जैसे कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोअन, वायरसेस, सारी चीज़ों के, सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं कि वो कौन सी बैक्टीरिया क्या डिसीज़ कॉज करता है और सारी चीज़ों के बारे में माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी में हम फॉसिल्स के बारे में पढ़ते हैं, वो फॉसिल्स जो कि बहुत सालों से प्रिजर्व्ड है या फिर कहीं बहुत सालों से प्रिजर्व्ड है, और ट्रेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो कि कहीं भी पत्थर में दब जाते हैं और उनके फॉसिल्स बन जाते हैं, तो उनके बारे में स्टडी करना पैलेंटोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट हमारा जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम ये पढ़ते हैं कि एक जीन दूसरे जीन में ट्रांसफ़र कैसे हो, जैसे हम बोलते हैं कि जो कोई भी बच्चा है वो अपने मम्मी पापा से या अपने पेरेंट्स से जीन इनहेरिट करता है, तो इसके बारे में हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं कि एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में कैसे हमारे जो जीन्स हैं वो पास होते हैं, डीएनए के बारे में पढ़ना, ये सब जेनेटिक्स के अंदर आता है। नेक्स्ट हमारा मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर, उनके फॉर्म्स, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे दिखते हैं वो, उनकी साइज़ क्या है, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी में। लास्ट है हमारा हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में हम टिश्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं, हम बोलते हैं कि हमारी बॉडी जो है टिश्यूज़ से भी बनी हुई है, टिश्यूज़ भी होते हैं हमारी बॉडी में, तो उस सब चीज़ों के बारे में, इस टिश्यूज़ के बारे में पढ़ना हिस्टोलॉजी कहलाती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, ये इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। हमने इसमें देखा कि बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है, बायोलॉजी की हिस्ट्री क्या है, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, उसके क्लासेस और उसके कुछ ब्रांचेस के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।